दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्सविल में। दोस्तों, यहाँ मैं एक बाथरूम में बताऊंगा कि अगर बाथरूम में आप फ्लोर टाइल और वॉल टाइल लगाते हैं तो आपका टोटल कजारिया टाइल लगाने का खर्च और मटेरियल यानी कजारिया टाइल आप खरीदते हैं तो वो कितने का पड़ेगा, उसमें कितना आपका पेटी टाइल रहेगा और फिर जो है आपका जो लेबर जो लेगी अभी खर्च लगाने का वो कितना आ जाएगा, यानी एक बाथरूम में जो टोटल आप कजारिया टाइल का वॉल टाइल और फ्लोर टाइल मिला के कितना खर्च होने वाला है। अब जैसे यहाँ देख रहे हैं जो फ्लोर टाइल के लिए हमने यूज किया है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 300 mm by 300 mm यानी 1 feet by 1 feet का टाइल यूज किया है और एक पेटी में जो ये टाइल हमें मिला है 10 पीस मिला है और एक पेटी का जो रेट है 550 रुपये का है, तो यानी कि 1 square feet का हमें 55 रुपये का ये रेट मिला है। और दूसरा जो हमने इसमें, अब दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं एक पेटी में करीबन यहाँ पे 10 टाइलें हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब जो अगला, ये तो हमने फ्लोर के लिए यूज किया है दोस्तों, और लगभग आप भी अपने बाथरूम में लगाना चाहते हैं तो यही आपको इसी रेंज में कजारिया में बहुत अच्छी अच्छी टाइलें मिल जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे वॉल टाइल जो देख रहे हैं 300 × 450 mm का, यानी 1 feet by 1.5 feet का यहाँ पे जो टाइल है, इसमें एक पेटी में आप देखिए 6 feet टाइल निकलती है, यानी एक पेटी में लगभग 9 square feet माल निकलता है। और इसका जो रेट है ये मार्केट में हमें करीबन 387 रुपये का मिला है, यानी कि एक जो टाइल की कीमत है 1 feet by 1.5 feet का, तो वो हमें लगभग 43 से 45 रुपये स्क्वायर फीट में पड़ा है। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये बाथरूम ऐसे 4 फीट है और ऐसे जो है ये 7 फीट लगाई गई है हाइट में, तो 4 फीट ऐसे हो गई। फिर इसके बाद इधर जो है ये 8 फीट की यहाँ पे इसकी लंबाई है और जो ऊंचाई ये लगाई गई है 7 फीट तक इसकी टाइल लगाई गई है। तो यानी कि अगर आपका 4 feet by 8 feet का बाथरूम है और 7 फीट के ऊंचाई तक अगर आप उसमें टाइल लगाते हैं तो फिर उस बाथरूम में फ्लोर टाइल कजारिया का और वॉल टाइल कजारिया का लगाकर आपका उसमें मटेरियल यानी टाइल का रेट कितना आएगा, फिर आपका जो लेबर उसमें लगाने का कितना खर्च लगेगा और साथ में जो ग्राउटिंग वगैरह सब करके टोटल एक बाथरूम 4 by 8 का अगर आप बनवाते हैं फिर उसमें 7 फीट तक हाइट तक कजारिया की टाइल लगवाते हैं तो टोटल कितना खर्च आएगा, वो चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। दोस्तों, अब आपको यहाँ थ्योरेटिकल में समझा दूँ तो यहाँ देख सकते हैं कि कजारिया टाइल कॉस्ट ऑफ बाथरूम, यानी कि कजारिया टाइल अगर आप बाथरूम में वॉल टाइल और फ्लोर टाइल दोनों लगाते हैं तो फिर आपका कितना कॉस्ट आएगा, और ये जो कॉस्ट बताऊंगा ये टाइल और प्लस लेबर दोनों चीज़ बताऊंगा यहाँ पे, तो ये आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। अब सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो बाथरूम था ये मेरा 4 फीट ऐसे था और 8 फीट ऐसे था, जो कि मैं अभी वीडियो में दिखाया आपको पूरा बाथरूम का, और उसमें जो बाथरूम की मेरी हाइट थी वो यहाँ पर 7 फीट हाइट तक हम क्या टाइल वहाँ पर लगा रहे थे, जो वॉल टाइल। सबसे पहले मैं आपको वॉल टाइल का बता रहा हूँ कि वॉल टाइल में हमें कितना खर्चा लगेगा, हमारा टाइल कितने का आएगा, और हम जो भी है पूरा डिटेल में अब यहाँ पे आप देखिए। तो वॉल टाइल के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा बाथरूम में जितना भी वॉल टाइल लग रहा था उसका एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया आप देखिए 4 फीट मेरा ऐसे लग रहा था और ये 8 फीट ऐसे हमारा था, तो ये 7 फीट हाइट तक उठ रहा है, तो 4 × 7 आप कर दीजिए यहाँ पे, एक साइड का ये आपका निकल गया, फिर 8 × 7 कर दीजिए, वैसे ही आपको 8 × 7 यहाँ कर देना है, फिर यहाँ पर आपका ये 2.5 फीट दरवाजा का छोड़ के करीबन यहाँ पर 1.5 फीट आपको ये जो जगह बच रहा है यहाँ टाइल लगेगी, तो 1.5 feet × 7 feet आप कर दीजिए। तो आप क्या करना है सबको इंटू करके और जोड़ लेना है, फिर आपको जितना भी एरिया है यहाँ पे एरिया लिख लेना है। अब जो टोटल हमने एरिया निकाल लिया जब इसको सब कैलकुलेट कर लिए तो 151 हमारा स्क्वायर फीट हमारा वॉल टाइल लग रहा है। अब क्या है जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाया, यहाँ भी आप देख रहे हैं नीचे वीडियो में कि नंबर ऑफ़ टाइल इन 1 पेटी, जब हम कजारिया का जो हमने वॉल टाइल लिया है दोस्तों, मैं आपको दिखाया कि ये क्या है कि 1 feet by 1.5 feet की टाइल है, ठीक है, 300 × 450 mm की। तो ये जो हमारा एक पेटी में जो टाइल है वो 6 पीस है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये जो हमें टाइल मिली है, ये दोस्तों हमें टाइल मिली है यहाँ पे 387 रुपये की, ये हमें टाइल मिल गई है, 9 square feet इसमें माल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ टाइल्स इन 1 पेटी, फिर सेम वही चीज़ मैं यहाँ लिख लिया हूँ कि एक में हमारा जो पेटी में जो ये 1 by 1.5 का जो टाइल था वो 6 पीस था। अब यहाँ देख रहे हैं कि अब हमें नंबर ऑफ़ टाइल्स इन 151 जो हमारा टोटल एरिया था वॉल टाइल का, उसमें हमारा टोटल कितना टाइल लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि हमारा एक जो टाइल का एरिया है जो मैं आपको बताया था कि 1 × 1.5 square feet का हमारा एक टाइल है, तो जब आप इसको क्या करेंगे कि अब 151 डिवाइड बाई वो यहाँ पे 1.5 आप कर लीजिए, तो टोटल जो हमारा लगभग टाइल निकल के आएगा ये 100 टाइल निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा क्या है कि एक पेटी में हमारा कितना टाइल है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है 100 डिवाइड बाई 6 कर दीजिए, तो यहाँ लगभग जो आपका टाइल निकल के आ जाएगा ये 17 पेटी यहाँ पर
आपकी टाइल लगने वाली है। तो यहाँ पे 17 हमने लिख लिया, 17 पेटी टाइल का अब जो प्राइस है, तो हमारा एक पेटी का जो टाइल का रेट था 387, तो 387 इंटू 17 हम कर देंगे तो 6000, आप देख सकते हैं यहाँ पे 6579 रुपये यहाँ पे मेरा वॉल टाइल का सिर्फ यहाँ पे मटेरियल में लग गया 6579 रुपये। अब वैसे ही हमें क्या करना है, फ्लोर टाइल निकाल लेना है। तो फ्लोर टाइल की लिए हमारा जो बाथरूम का एरिया है 4 फीट × 8 फीट का हमारा टोटल एरिया है, तो ये 4 × 8 आप कर दीजिए तो यहाँ पे 32 स्क्वायर फीट आपका टोटल एरिया हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल एरिया फ्लोर टाइल लिख लेंगे पहले, तो 32 स्क्वायर फीट हमारा हो गया एरिया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि नंबर ऑफ़ टाइल्स इन वन पेटी, एक पेटी में हमारा कितना टाइल था यहाँ पे 10 पीस, तो हमने 10 लिख लिया। फिर एक पेटी टाइल्स रेट, अब एक पेटी का जो हमने यहाँ पे टाइल लिया है उसका रेट क्या है दोस्तों, तो वो जो हमने टाइल लिया था फ्लोर टाइल उसका जो रेट है यहाँ पे 550 रुपये का वो हमें एक पेटी मिला है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 550 रुपये लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों सेम वही चीज़ फिर दोबारा से यहाँ लिखा गया है कि नंबर ऑफ़ टाइल्स इन वन पेटी कितना होता है, 10 पीस होता है। अब हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ़ टाइल्स, हमारा टोटल एरिया कितना था 32 स्क्वायर फीट, तो यहाँ 32 लिख लिए, तो हमारा अब 32 स्क्वायर फीट में कितना टाइल लग रहा है, तो 1x1 का टाइल है तो यहाँ पर हमारा सेम वही क्वान्टिटी 32 टाइल लग रहा है, तो अब हमारा एक बॉक्स में करीबन समझ जाइए कि 10 पीस है, तो 32 स्क्वायर फीट के लिए कितना लगा, करीबन हमारा आप देखिए 3.2 पेटी, यानी कि लगभग हमें यहाँ पे अप्रॉक्स 4 पेटी, 3.5 पेटी तो कोई देगा नहीं, तो 4 पेटी आपको लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे 4 पेटी का आपको रेट क्या है, तो रेट हमारा था यहाँ पे 550 रुपये, तो आपको सिंपल क्या करना है कि 550 × 4 आप कर दीजिए तो यहाँ पर आपका रेट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे जो निकल के आपका आ जाएगा करीबन यहाँ पे 2200 रुपये आपका फ्लोर टाइल में यहाँ खर्चा होने वाला है, जो आप ये कजारिया का टाइल लगाइएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस सिंपल तरीके से आप भी अपने घर में बाथरूम में जो भी टाइल लग रहा है या किचन में टाइल लगवाना चाहते हैं, तो वॉल टाइल या फ्लोर टाइल जो मैं यहाँ डिज़ाइन दिखाया रहा हूँ और कजारिया का लगभग इसी रेंज का आप टाइल लेते हैं तो मटेरियल में आपका इतना खर्चा लगने वाला है। अब दोस्तों ये रहा कि हमारा देखिए 150 स्क्वायर फीट का हमारा वॉल टाइल है और हमारा 32 फीट हमारा फ्लोर टाइल है, तो जो हमने यहाँ दिया है मिस्त्री को ये लगभग हमारा हो रहा है करीबन 185 स्क्वायर फीट टोटल एरिया वॉल टाइल और फ्लोर टाइल यहाँ पे मिला के 185 स्क्वायर फीट हो गया। तो ये जो हमने लेबर रेट पे दिया है ये दिया है 14 रुपये से, तो आपको क्या करना है 185 × 14 आप यहाँ पर कर लीजिए तो जो टोटल आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पर जो मेरा लेबर का यहाँ मैं आपको खर्चा बता रहा हूँ, तो यहाँ पे 2600 रुपये के लगभग आपका यहाँ लेबर में खर्च होने वाली है। वैसे ही आपका यहाँ पे 200-300 रुपये आपका जो ग्राउटिंग वगैरह फिलिंग करने में आ जाता है, तो टोटल यहाँ पे देखा जाए 2600 रुपया, 2200 रुपया और फिर यहाँ पे 6580 रुपया, जब आप जोड़ दीजिएगा तो लगभग जो निकल के आ जाएगा यहाँ पर 11380 रुपये और इसमें 200 रुपये आप और जोड़ देंगे तो करीबन 11500 स्क्वायर फीट में आपका 4x8 का अगर आप फ्लोर टाइल और वॉल टाइल बाथरूम में लगाते हैं और 7 फीट की टाइल लगाते हैं तो यहाँ पे लगभग 11500 रुपये आपका कजारिया टाइल लगाने में खर्च होने वाली है।